जनवरी की 10 तारीख 2024 को हमारे जोनल मैनेजर साहब जो है इस LIC ऑफ इंडिया की स्टॉल का इनॉग्रेशन किया है। इस 40 दिन की स्टॉल में जो है हर दिन हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीज़न से डिफरेंट ब्रांचेस के एजेंट्स आकर बैठेंगे और यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे इंक्वायरी के लिए, सर्विस के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया जाएगा और जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। LIC ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो है इंडिया का ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो LIC ऑफ इंडिया हर दिन लाखों पॉलिसीज बनाती है और हमारे पॉलिसी होल्डर्स आज जो है 38 करोस के करीब हो रहे हैं और 38 करोस पॉलिसी होल्डर्स जो है हमारे दुनिया में कुछ 3 कंट्रीज़ हैं जिसका पॉपुलेशन 38 करोस है, बाकी के सारे कंट्रीज़ का पॉपुलेशन इससे 2 गुना कम है। तो आप समझ सकते कि LIC का क्या पावर है और LIC की क्या नाम है। अब LIC के पास में कॉर्पस बहुत बड़ा है और कॉर्पस तकरीबन 38 से 43 लाख करोड़ है। अब यानी कि ये कॉर्पस LIC का 1956 फर्स्ट सितंबर से लेके अब तक इतना बना है और इसके अलावा LIC के पास जो एसेट्स है वो एसेट्स भी जो है तकरीबन 40 करोस तक के एसेट्स है। और LIC के हमारे 2043 ब्रांचेस है और तकरीबन 1500 सैटेलाइट ऑफिसर्स है और 115 डिविजनल ऑफिसर्स है और 8 जोनल ऑफिसर्स है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और तकरीबन 1.5 लाख हमारे एम्प्लॉइज़ है और 13.5 लाख एजेंट्स है ऑल ओवर इंडिया। सब एग्जीबिशन में स्टॉल कहाँ पे खुला है, सब एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। ये एग्जीबिशन में जो स्टॉल खुला है हमारा, ये जो बैंक ऑफ जो रास्ता झूलों को जाता और उसके हमारे बाजू कौन सा बैंक है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू ये खुला है और ये एग्जीबिशन सोसाइटी से बिल्कुल करीब है। आप अगर अजंता गेट से आ रहे हैं तो आप सीधा राइट लेकर सीधा आइए, फर्स्ट लेफ्ट टर्न में मत जाइए, सेकंड लेफ्ट टर्न में आते हमारी स्टॉल आपको नज़र आएगी। कोई जुड़ना चाहता है तो उसको कैसा? LIC से जुड़ना चाहता है तो पॉलिसी लेना चाहता है या काम करने के लिए जुड़ना चाहता है? पॉलिसी लेना चाहता है। हाँ, यंग जनरेशन है जैसा कि छोटे बच्चे लड़की लड़कियों का जैसा पैसा जमाते हैं डिपॉजिट, उसके ऊपर सकते हैं। LIC में बच्चों के लिए हमारी LIC 4 चीज़ों के लिए काम करती है, 5 चीज़ों के। सबसे पहले जो LIC का महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वो ये है कि हमारी जो फ्यूचर इनकम है आपकी मेरी सबकी, ये फ्यूचर इनकम को कैसा प्रोटेक्ट किया जाए। अगर ये इनकम को नहीं प्रोटेक्ट करें अपन, और यदि मौत और हयात अल्लाह के हाथ है, कब इंसान आता कब इंसान जाता किसी को पता नहीं है, तो अगर समझिए अल्लाह ताला के पास से बुलावा आ गया और उसको जाना पड़ा, जवाब तो नहीं दे सकता है, वन वे कम्युनिकेशन है, जाने का ही आता, फिर मेरे को रुका दीजिए अल्लाह ताला, एक 5 मिनट की मोहलत दीजिए, एक 10 महीने की मोहलत दीजिए, मेरे जिम्मेदारियाँ कंप्लीट करके आ, वक्त मुहैया है तो इमीडिएटली उसको जाना पड़ता। अगर वो चला गया तो घर के जितने भी इसके डिपेंडेंट है इसके ऊपर, वो डिपेंडेंट जो इसकी सैलरी पे, इसकी इनकम पे थे, बिजनेस की हो या जो भी हो,
उन लोगों का क्या होगा, उनको कौन पैसा देगा। तो इसलिए जो है LIC करना ज़रूरी है, ये सबसे पहली LIC करने की रीज़न है। दूसरा रीज़न, आप लोग देखते होंगे हर फैमिली में लोग ज़यीफ हो जाते और जो है अपने ज़िंदगी तमाम काम करते, कुछ बचाते नहीं अपनी ओल्ड एज के लिए, उसके बाद में जब वो रिटायर होते तो उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके भाई वाई कोई उनको सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, उनको जो है परेशान होके फिरते रहना पड़ता पैसे मांग के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो LIC अगर आप करेंगे तो आपको LIC से पेंशन भी फिक्स होगा, ज़िंदगी तमाम का आपकी बुढ़ापे की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तीसरा जो पॉइंट है इसका LIC लेने का, वो है जो भी जो है हाई इनकम ग्रुप में है, जो टैक्स भरते हैं और जो टैक्स भरने को टैक्स बचाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है LIC का 1.5 लाख रुपये साल का प्रीमियम भर कर 45,000 तक टैक्स बचा सकते हैं टैक्स पेमेंट का। और लास्ट जो इसका रीज़न है, चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि LIC की हर पॉलिसी गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको जो पेपर हम देते वो पेपर आपकी जो 500 रुपए की करेंसी नोट है, 100 रुपए की करेंसी नोट है, उसके मुकाबले का पेपर है वो। यो यदि उसमें ये बोला जाता है कि अगर पॉलिसी मैच्योर हो गई तो उसका जो सम अश्योर्ड जो अमाउंट लिखा हुआ है वो प्लस अप टू डेट बोनस आपके दिया जाता है ऑन टाइम ऑन डॉट, और अगर बीच में गुजर गए तो सम अश्योर्ड प्लस अप टू डेट बोनस दिया जाता है नॉमिनी को, ये इसकी गारंटी है। तो ये चार रीजंस है जिसके लिए हर एक को LIC करना चाहिए। LIC से नहीं बचना, LIC से नहीं भागना, ये जो दो चीज़ें हैं ज़िंदगी के, एक जो है इंसान की ज़िंदगी अनसर्टन है, कल के दिन क्या हो जाएगा, मेरा अगर कुछ होगा तो मेरी फैमिली को क्या होगा, वो एक। और दूसरा जो है, जो दूसरा है वो है अगर मैं बूढ़ा हो गया और मेरे पास इनकम नहीं है तो मेरे को कौन सपोर्ट करेगा। अल्लाह ताला तो है ही है करने वाला, मगर अल्लाह ताला जो रास्ते बताए हैं ज़िंदगी के वो रास्तों पे चलना ज़्यादा मुनासिब है। मेरा नाम मीर मुस्तफ़ा अली ख़ान है, मैं चीफ़ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और मैं जो है तकरीबन 52 साल से LIC में हूँ, 1974 से मैं LIC में हूँ जून, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मेरे बहुत बड़ा क्लाइंटेल है और हर कोई सेटिस्फाइड है, और अल्लाह के करम से LIC में भी मेरे को जो है अच्छा रुतबा दिया गया है, मैं उसके लिए मशकूर और मगनून हूँ, बहुत शुक्रिया।